वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। शुरुआती लम्हे निखत जरीन और मैकडॉल दोनों एक दूसरे को थोड़ा फासले से भांपने की कोशिश कर रही हैं इससे पहले कि वो अपने मुक्कों की बौछार करें। शुरुआत हल्की सी नॉकिंग की यहां पर और एक लेफ्ट हुक बिल्कुल सही लगा है मैकडॉल को। निखत जरीन की फिर कोशिश, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आधे मिनट का वक्त दोनों बॉक्सर और लेंगे। ज्यादा अनुभव जाहिर तौर पर कार्ली मैकडॉल के पास है, एक कॉमनवेल्थ गेम्स खेल चुकी हैं और उनकी मूवमेंट देखिए, स्वे के जो मूवमेंट हैं अक्सर आप करते हैं जब आपके पास हाइट का एडवांटेज ना हो। निकट जरूर लंबी हैं, इसीलिए कार्ली मैकडॉल की ये लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगी। मैकडॉल का जहां तक सवाल, दोनों ऑर्थोडॉक्स स्टांस के साथ खेलती हुई मुक्केबाज और इस बार जरूर निकट ने एक बढ़िया ब्लो दिया है। अब तक वो चुस्ती फुर्ती वो तेजी इस मुकाबले में आई नहीं, दोनों इंतजार कर रही हैं। तीन तीन मिनट के तीन राउंड्स हैं, इस बात का ख्याल रखना होगा, अपनी ऊर्जा बचा करके रखनी होगी क्योंकि तीसरे राउंड तक वो पूरी क्षमता के साथ खेलती रहे और ये शुरुआती लम्हों में जैसे ही तकरीबन क्लिंच हो गए दोनों फिर अलग हुए और अब देखना है कि पहले शुरुआत कौन करता है। अब तक हल्का रहा है ये मुकाबला और निकट की ये खासियत हमने देखी है पिछले बाउट्स में, लगातार अग्रेशन नहीं दिखाती हैं, बहुत ही कंट्रोल्ड इनकी बाउट्स रहती हैं। कुछ एक बाउट्स हमने ऐसी देखी जब स्पेशली वो जाम्बिया के जो हमने बॉक्सर कल देखे थे जो रुकते ही नहीं थे, निकट संतुलित, इस बार संतुलन उन्होंने छोड़ा है और हमला किया है। इसी तरह के छोटे छोटे बर्स्ट में अटैक करना पसंद करती हैं निकट जरीन, बिल्कुल पूरी रणनीति के साथ लड़ना पसंद करती हैं क्योंकि सिर्फ अग्रेशन अपनी आक्रामकता दिखा करके आप मुकाबले नहीं जीत सकते। बढ़िया कॉम्बिनेशन पंचेस लेफ्ट और राइट हुक्स का इस्तेमाल किया यहां निखत जरीन ने और अब एक स्ट्रेट जैब लगाने की कोशिश की लेकिन अपने को थोड़ा सा पीछे कर दिया और ये एक बार गर्दन पे हाथ आया, देखना रेफरी ने अलग करते हैं नहीं, खुद ब खुद अलग हो गए। एक प्रहार करने की कोशिश की थी यहां मैकडॉल ने, एक लेफ्ट जैब ने कितने लगाया है, ये क्लिंच के समय इतना प्रभावित होंगे जजेस। कोच साहब ने कहा है सामने देख, इनकी रनिंग कमेंट्री सुनना बड़ा रोचक होता है। बिल्कुल रेफरी ने भी यही कहा था निखत से कि आप हेड अप करके खेलें, थोड़ा सा जब आपका सर नीचे आ जाता है तो फिर अनावश्यक ब्लोज आप पर पड़ जाते हैं। पहला राउंड यहां पर समाप्त हुआ, कह पाना बड़ा मुश्किल है इस पहले राउंड में बढ़त किसके नाम थी, लेकिन हो सकता है कि निखत बहुत मामूली बढ़त से। नॉर्दर्न आयरलैंड की मैकडॉल के सामने पहले राउंड के बाद के नतीजों का इंतजार है और निखत सर्वसम्मति से 5-0 से पहले राउंड के बाद लीड कर रही हैं। रणनीतिक संग्राम करने की कोशिश की है निखत जरीन ने और वो बिल्कुल साफ दिखाई दिया है, बहुत ज्यादा आक्रामकता नहीं, सोच समझ करके इस मुकाबले को वो आगे बढ़ा रही हैं। पहले राउंड में किस तरह से लड़ना है ये पहले से तय किया हुआ है, लेकिन 10 और 9 की अगर मार्किंग है तो इसका मतलब मुकाबला कांटे का है और वो किसी भी तरफ जा सकता है। निखत को सावधानी के साथ दूसरे दौर में प्रदर्शन की जरूरत है, इसीलिए मैकडॉल थोड़ी ज्यादा अग्रेसिव है क्योंकि कोच को पता लग जाता है, बॉक्सर को भी पता लग जाता है कि स्कोर क्या है, ये अंदाजा हो जाता है। तो अब निकट की परीक्षा है कि ज्यादा अग्रेसिव दिख रही मैकडॉल के सामने उनकी नीति क्या होगी। और कॉमनवेल्थ गेम से पहले हमारी साथी सागरिका के साथ इन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उस जगह से उस परिवार से आना जहां लड़कियों के लिए बॉक्सिंग के मैदान में उतरना ही बहुत बड़ी बात थी, वहां से निकट वर्ल्ड चैंपियन बनी है और यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल पर दावा इनका और मजबूत हो चुका है। बिल्कुल निखत जैसी शख्सियत न जाने कितने लोगों को प्रेरित करती हैं, कितने युवाओं को आगे आने के लिए अवसर प्रदान करती हैं, ये आदर्श हैं भारतीय एथलेटिक्स जगत की। फिलहाल फाइनल मुकाबले में स्वर्ण के लिए खेलती हुई निखत जरीन क्लिंच पर आई, इशारा किया गया कि आप अपने दस्तानों का सिर्फ उपयोग मोड़ करके, मुट्ठियों को मोड़ करके करें और वही यहां पर देखने को मिला। एक बार फिर क्लिंच में और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आक्रामक होने की कोशिश कर रही है मैकडॉल, लेकिन उन्हें ये याद रखना होगा कि आक्रामकता से मुकाबले सिर्फ जीते नहीं जाते, उनके साथ बेहतर रणनीति के साथ भी उन्हें लड़ना होगा।
और क्लिंच पूरी तरह से इसी बात को दर्शाता है कि मैकडॉनल थक चुकी हैं, उनको 5-7 सेकंड का ब्रीदर चाहिए। फिर से एक्सचेंज ऑफ पंचेस है, किसने सटीक पंच लैंड करवाए, पावर कितनी थी सर। ऊंचा बॉक्सिंग शुरू, और सुनील 7 साल का फर्क है दोनों के बीच में, तो वो जो एडवांटेज है तीसरे दौर में, ये मान करके चलिए कि निखत बस्ट करने वाली हैं, अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाली हैं, और मैकडॉनल के लिए तीसरा दौर बचा पाना कतई आसान नहीं होने वाला। फिलहाल 50 सेकंड बाकी है राउंड नंबर 2 में, और निखत ने फिर से बड़ा कंट्रोल्ड अग्रेशन दिखाया है, मैकडॉनल को आने का मौका दिया है और फिर काउंटर अटैक किया है, और वो भी बहुत शानदार। बॉक्सिंग कीजिए, मैकडॉनल को कहा गया सिर्फ होल्ड करने की कोशिश मत कीजिए, एक बार फिर होल्ड। और इस तरह में जो बॉडी ब्लोज लगते हैं उनका कोई खास इंपैक्ट नहीं होता। रेफरी कह रही है बात सुनो, कजाकिस्तान से है जमीला बोरकोएवा इस मुकाबले की रेफरी, जो 5 जज मार्क्स देंगे, बोत्सवाना, बल्गारिया, कनाडा, मंगोलिया और ऑस्ट्रेलिया के। पहले राउंड के बाद 5 जजेस ने निखत के पक्ष में स्कोर दिया था, दूसरा राउंड खत्म होने वाला है और इंतजार रहेगा सारे जजेस के स्कोर का, इंतजार रहेगा तीसरे राउंड का, इंतजार रहेगा गोल्ड मेडल का। है निर्णायक दौर की, तीसरे और आखिरी दौर की, लेकिन उससे पहले हमें इंतजार है, और ये रिजल्ट जो आपके सामने है ये पहले 2 दौर का है, और ये बताता है कि निखत जरीन इस मुकाबले में स्वर्ण के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी हैं। अगर कोई बहुत बड़ी गलती ना करें, अगर आरएससी ना हो जाए, तो स्वर्ण निखत जरीन का तकरीबन पक्का है। रेलवेज में आरएससी और यहाँ पे आरएससी दोनों ही नहीं चाहिए, कंफर्म चाहिए, एकदम कंफर्म टिकट। और 2 राउंड कंफर्म कर लिए हैं निखत ने, 5 जजेस ने दोनों राउंड में 10 का स्कोर निखत को दिया है, और आखिरी दौर है, और उनसे 7 साल बड़ी मैकडॉनल, कितना स्टेमिना उनके पास बचा है आखिरी 3 मिनट में। बहुत मुश्किल होता है 3-3 मिनट के 3 दौर निकालना, ये बार बार मैकडॉनल जो होल्ड कर रही हैं या क्लिंच पर जा रही हैं, उसकी वजह यही है कि वो अपनी थकान को थोड़ा सा कुछ लम्हों के लिए ही सही एक विराम देना चाहती हैं। और यहां पर अचानक ब्लोज की कोशिश, अब देखिए आखिरी 2 मिनट का वक्त बाकी है, निखत जरीन गोल्ड के बिल्कुल नजदीक, फिलहाल अभी भी डिफेंस करती हुई सही रणनीति, जब बहुत ज्यादा आक्रामकता की जरूरत ना हो तो मत करें। बॉक्सिंग में यहाँ रेसलिंग का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रही है मैकडॉनल, परेशान है मानसिक तौर पर, वो थक चुकी हैं इस मुकाबले के अंदर। पिछली बार सिल्वर मेडल जीता था मैकडॉनल ने, और उनको अंदाजा है कि इस बार उस रंग को बेहतर करना कठिन है, इसीलिए वो हताशा दिखती है आपके मूव्स में, आप कुछ ऐसा करने लगते हैं जो जल्लाहट दिखाता है। और निकट देखिए फिर से कंट्रोल्ड अग्रेशन, मैकडॉनल को पास आने देती है और फिर अटैक करती है, कोच कह रहे हैं आराम से, क्योंकि लीड है, दोनों राउंड इनके पक्ष में है, तो इस राउंड में अगर खुद को बचा भी लिया तो भी निखत गोल्ड जीत सकती हैं, वो भी इत्मीनान से। लीड है और वो भी पर्याप्त लीड है, इसलिए आप डिफेंस करें, फुटवर्क का इस्तेमाल करने दें मैकडॉनल को, रिंग के अंदर उन्हें घूमने दें, उन्हें घुमाएं, और समय आराम से निकालें। 1 मिनट के आसपास का वक्त बाकी इस तीसरे दौर में, भारत की निखत जरीन एक हाथ गोल्ड पर लगा चुकी हैं, और इस समय सिर्फ 1 मिनट से भी कम का समय बाकी। कोच ने बोल दिया 1 ही मिनट है, लेकिन देखिए कोई ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है, जब आपके पास इतनी लीड हो कि गोल्ड मेडल सामने हो तो क्यों जोखिम लेना, आगे दूसरे भी इवेंट आने हैं। पूरी तरह से हताशा, ये अलाउड नहीं है, काली मैकडॉनल जो कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है। 25 सेकंड का वक्त बाकी, निखत जरीन को कहा गया कि आप न्यूट्रल कॉर्नर में जाएं, क्योंकि संभवतः हेडगियर में कुछ परेशानी महसूस की है यहां पर रेड कॉर्नर की मुक्केबाज मैकडॉनल ने। और अब जबकि 25 सेकंड से कम का वक्त बाकी है, यह मुकाबला निखत के बिल्कुल कब्जे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 गोल्ड मिल चुके हैं नीतू गंगास और अमित पंघाल,
और बॉक्सिंग में तीसरा गोल्ड निकहत जरीन जीतने से बस औपचारिकता मात्र दूर है, अगर हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तीन राउंड मुकम्मल, निकहत पूरी तरह से आश्वस्त है कि गोल्ड आ चुका है, फैंस पूरी तरह से आश्वस्त है कि गोल्ड आ चुका है, इंतजार सिर्फ जजिस के औपचारिक स्कोर का है। स्वर्ण जीतना एक बात है और एक स्टेटमेंट के साथ स्वर्ण जीतना अलग बात है। ऑफिशियल रिजल्ट्स का हम अभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो दिखाई दिया है, जो हम सब ने देखा है, उसके मुताबिक निकहत जरीन गोल्ड बिल्कुल उनका आना चाहिए। ये ब्लोज देखिए कितने सटीक लगे और अच्छे खासे पॉइंट्स यहां पर मिले होंगे निकहत जरीन को। 26 वर्ष की इस भारतीय एथलीट ने न सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन होने का गौरव हासिल किया है बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी हैं। यूनैनिमस फैसला होना चाहिए प्रभु। We go to your judges' scorecards where we have a unanimous decision for your winner and now Commonwealth gold medalist. In the blue corner, representing India, Zarinika. Nikhat Zareen. क्या बेहतरीन तरीके से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता पॉइंट्स के बेसिस पर 5-0 से, यानी कि सर्वसम्मति से इस मुकाबले को जीत लिया। स्वर्ण का जहां तक सवाल, भारत के खाते में गोल्ड मेडल और जुड़ा, लेकिन निकहत जरीन की तारीफ करनी होगी। ये मुस्कुराहट, ये मेहनत को कामयाब होने का समय है, फलीभूत होने का वक्त है, ये खुशियां मनाने का वक्त है, सिर्फ निकहत के लिए नहीं समूचे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि एक ऐसी एथलीट ने यहां पर भारत का परचम लहराया है जिस पर समूचे देश को गर्व है। और यकीन मानिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन गौरव के क्षण जिनके लिए हर एथलीट सारी जिंदगी तरसता है। किसी एथलीट के लिए जब राष्ट्र धुन बजाई जाती है तो उससे बड़ा सम्मान और किसी का क्या हो सकता है। सारी जिंदगी की मेहनत ऐसा लगता है कि एक पल में, एक खूबसूरत नतीजे में तब्दील हो गई। निकहत जरीन को आज वो गौरव मिला है कि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए भारत का तिरंगा उस हॉल में इतराएगा, सबसे ऊपर जाएगा। चेहरे पर मुस्कुराहट इस कामयाबी, इस उपलब्धि को जीने की। Medals will be presented by Dame Louise Martin, the President of the Commonwealth Games Federation, and gift presenter will be Luke Whitehorn, Marketing Director of Domestic and General. Dame Louise Martin, जो कि Commonwealth Games की President हैं, और Luke Whitehorn, Bronze medalist, Marketing Director. From England, Savannah Althea Stubley. Senior international debut this was for 21 years old England ki Savannah Stubley jinhone bronze medal jeeta is muqable ke andar bilkul young hain, yuva mukkebaz hain, acha khasa waqt hai inke paas, aane wale samay mein apni pehchan aur mazboot karne ka। 21 varsh umr hai Savannah ki। From Uganda, Teddy Nakimuli, Uganda's first female boxer at the Commonwealth Games, also picks up a medal। Uganda ki ye athlete aapke samne jinhein bronze mila, sirf 19 varsh umr hai inki, aur ye achhi baat hai ki jitne yuva athlete hain un sab ne apni kshamata se behtar karne ki koshish ki hai। टेडी नाकेमुली ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडलिस्ट फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड सवना अल्फिया, कार्ली मैकनोल एंड अ वेरी पॉपुलर सिल्वर मेडलिस्ट मैकनोल। गोल्ड कोस्ट में
इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था और इस बार फिर सिल्वर जीता है स्वर्ण मेडल के मुकाबले में इन्हें निकहत जरीन से शिकस्त खानी पड़ी। काली मैकनॉल फ्रॉम इंडिया जरीन निकहत। और अब निकहत जरीन जिस तरह से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो अद्भुत है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस एतमाद के साथ इन्होंने स्वर्ण तक का सफर तय किया वो सचमुच काबिले तारीफ है। निकहत जरीन ने ये बताया कि उनका तजुर्बा क्या है। छब्बीस वर्षीय निकहत जरीन Ladies and gentlemen, if you are able, please stand for the national anthem of India. नम है निकहत की, देश की इस लाडली ने समूची दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है।